सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं थ्योरी जावास्क्रिप्ट वीडियो के अंदर हम लोग आज समझेंगे डेटा टाइप, यानी कि जो हमारा प्रैक्टिकल वीडियो होगा उसमें हम लोग डेटा टाइप और ऑपरेटर से संबंधित जितने भी प्रोग्रामिंग होती है वो आपको वीडियो में समझाया जाएगा। लेकिन यहाँ अगर आप कोई इंटरव्यू फेस कर रहे हैं या आप कहीं थ्योरी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको लिखने और समझने में दिक्कत ना आए, ताकि आप सीधे प्रैक्टिकल करते वक्त भी आप आसानी से कर सकें। तो आप देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप होते क्या है। एक नॉर्मल सी बात यह है कि डेटा टाइप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप ये समझ लीजिए, तो आप ये समझिए कि डेटा टाइप किसी भी सूचना को स्टोर करने का एक तरीका है। अब अगर हम नॉर्मली बात करें तो जावास्क्रिप्ट में भी डेटा टाइप अलग अलग प्रकार की वैल्यू को क्या करेगा, स्टोर करने का काम करेगा। हम लोग अगर बात करें तो जावास्क्रिप्ट के अंदर दो प्रकार के डेटा टाइप हम लोगों ने डिवाइड करे हैं। एक है प्रिमिटिव डेटा टाइप, एक है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, जिसे रेफरेंस डेटा टाइप भी हम लोग कह रहे हैं। जावास्क्रिप्ट क्या है, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, जावास्क्रिप्ट एक डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है, यानी कि आप अपने अकॉर्डिंग जितने भी वेरिएबल डिफाइन करना चाहते हैं डायनेमिक रूप से जावास्क्रिप्ट इंजन का उपयोग ले सकते हैं और डेटा टाइप को डिफाइन कर सकते हैं। अब एक नॉर्मल सा तरीका आप ये देखिए कि अगर मान लीजिए आपने a बराबर 40 डिक्लेयर किया है तो ये एक नंबर को स्टोर कर रहा है, लेकिन अगर आपने डबल कोट्स में कोई स्ट्रिंग को डिक्लेयर किया है तो ये स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर रहा है, जबकि डिक्लेयर करने का तरीका वही रहेगा, वैर हम लोग केवल वैर का ही उपयोग ले रहे हैं। अब आते हैं, अगर हम लोग बात करें कि आखिर प्रिमिटिव डेटा टाइप होते क्या है। प्रिमिटिव का मतलब होता है प्राइमरी डेटा टाइप, मतलब जो दूसरे प्रकार के डेटा टाइप बनाने में आपको मदद करते हैं वो होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप, प्राइमरी, प्राथमिक। अब आप ये देखिए, सबसे पहले स्ट्रिंग आपको पता ही है, नंबर ऑफ करेक्टर, सीक्वेंस ऑफ करेक्टर, जैसे कि हेलो नंबर आपको पता है, न्यूमेरिक वैल्यू बुलियन आपको पता है, ट्रू और फॉल्स। जो ट्रू और फॉल्स को स्टोर करते हैं, जब हमें यस या नो का डिसाइड करना पड़ता है तब हम यूज करते हैं नंबर वेरिएबल का, सॉरी बुलियन वेरिएबल का। अनडिफाइंड, जिसे हमने डिफाइन नहीं किया है, और नल, जो कि किसी भी प्रकार की वैल्यू को स्टोर नहीं करेगा। ये थे हमारे सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब हम लोग आते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप विच इज़ ए ग्रुप ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप विच इज़ रेफरेंस फ्रॉम प्रिमिटिव डेटा टाइप। मतलब ये हुआ कि जो प्राइमरी डेटा टाइप के द्वारा जो दूसरे प्रकार के डेटा टाइप बनाए जाते हैं, जो उसको बनाने मदद करते हैं, वो होते हैं नॉन प्रिमिटिव। मतलब जैसे कि पहला है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग इंस्टांस को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्जेक्ट जिसके द्वारा हम लोग किसी भी मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। ग्रुप ऑफ वेरिएबल क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। एरे क्या है, समान प्रकार के जो भी वेरिएबल होते हैं जो एक कंटिन्यूअस मैनर में पाए जाते हैं उन्हें हम लोग एरे कहते हैं। ये भी प्रिमिटिव डेटा टाइप के द्वारा बनते हैं। इसके अलावा हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन का भी उपयोग ले सकते हैं, जैसे REGEXP। ये तो थे हमारे डेटा टाइप। अगर हमसे कोई पूछे कि ऑपरेटर क्या होता है, मैं आपको एक बताना चाहूँगा बात कि ऑपरेटर जो ऑपरेंड पे कार्य करे उसे हम लोग ऑपरेटर कहते हैं। अब आप एक नॉर्मल सी बात ये समझिए कि यहाँ पर 4 और 5 मेरे दो ऑपरेंड है, दो वैल्यू है, और उसके ऊपर हमने प्लस ऑपरेटर का उपयोग किया है जो उसको जोड़ने का काम करेगा। लगभग कोई भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देख लें उसमें सभी में एक तरह के ही ऑपरेटर पाए जाते हैं, जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल या रिलेशनल, इनको भी हम अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर। अब आते हैं हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर जो आपके अर्थमेटिक कार्य करते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, ये सभी काम अर्थमेटिक ऑपरेटर करते हैं। अब मेरे ख्याल से आपको प्लस ऑपरेटर, माइनस ऑपरेटर, मल्टीप्लाई ऑपरेटर बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिकल वीडियो पार्ट 2 ज़रूर देखें। अब आप ये समझिए कि अगर मैं डबल मल्टीप्लाई का उपयोग करता हूँ, डबल एस्टरिस्क का उपयोग लेता हूँ, तो ये एक्सपोनेंशियल की तरह काम करेगा, मतलब 2 की पावर 2, मतलब 2 डबल मल्टीप्लाई, अगर आप 2 लिखते हैं तो ये 2 की पावर 2 कहलाएगा। डिवाइड आपको पता है मॉडुलस, अगर आपको रिमाइंडर की ज़रूरत है, जैसे कि 7 मॉडुलस आपने 3 किया है,
तो इसमें रिमाइंडर आपका एक बचेगा। तो ये भी मैं आपको प्रैक्टिकल समझाऊंगा। अगर आप प्लस प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं जो ज़्यादातर लूप में यूज आता है, या माइनस माइनस ऑपरेटर, तो ये एक का इंक्रीमेंट करता है। अगर हमें लगातार इंक्रीमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो ये काम हम लूप में करते हैं। नेक्स्ट जो ऑपरेटर है वो है कंपैरिजन ऑपरेटर, इक्वल टू ऑपरेटर। इक्वल टू ऑपरेटर जो ये देखेगा, क्या मान लीजिए ए डबल इक्वल्स टू आपने जिसको हम इक्वल टू कह रहे हैं, अगर वो बी के हैं तो क्या दोनों वैल्यू एक दूसरे के बराबर है या नहीं है। इसी क्रम में अगर मैं ट्रिपल इक्वल टू लगा दूँ तो वैल्यू और टाइप, मतलब अगर मान लीजिए बोथ साइड इंटीजर डेटा टाइप है, बोथ साइड फ्लॉट डेटा टाइप है, मतलब किस प्रकार का डेटा टाइप है, तो वैल्यू को भी कंपेयर करना चाहते हैं और डेटा टाइप को भी कंपेयर करना चाहते हैं, तब आप ट्रिपल इक्वल्स टू का उपयोग लेंगे। नॉट इक्वल्स टू अगर इक्वल नहीं है, नॉट डबल इक्वल्स टू मतलब या तो उनका डेटा टाइप इक्वल नहीं है और ना ही उनका वैल्यू इक्वल है। ग्रेटर देन जिस साइड, इस साइड के अगर ए ग्रेटर देन बी कहते हैं तो हम कह रहे हैं कि क्या ए बी से बड़ा है, ए लेस देन बी क्या ए बी से छोटा है। इसकी प्रोग्रामिंग मैं आपको बताएंगे कंडीशनल ऑपरेटर के। अब ये देखिए, इसमें हम इक्वल भी देख रहे हैं, इसमें भी हम इक्वल देख रहे हैं। हमेशा ये ध्यान रखिए कि इक्वल ऑपरेटर हमेशा ग्रेटर देन के बाद में आएगा या लेस देन के बाद में आएगा। क्वेश्चन मार्क, इसका एक मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बताऊंगा। ये इफ एल्स की तरह काम करता है, यानी कि अगर मान लो मैं क्वेश्चन मार्क से पहले कोई कंडीशन लगाता हूँ, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अगर वो कंडीशन गलत है तो फॉल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। टर्नरी इसीलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसमें एक कंडीशन होती है, एक ट्रू पार्ट होता है और एक फॉल्स पार्ट इसमें रहता है। अब आप ये देखिए, जावास्क्रिप्ट के लॉजिकल ऑपरेटर अगर हम बात करते हैं तो लॉजिकल जो एक से अधिक रिलेशनल ऑपरेटर पे काम करते हैं। अब आप ये समझिए कि अगर मेरे पास दोनों तरफ दो कंडीशन है तो क्या वो दोनों कंडीशन इस ऑपरेटर के इक्वल है या बराबर है। अगर दोनों सही है तभी वो एग्जीक्यूट होगा। और ऑपरेटर क्या कहता है, जिसमें हम पाइपलाइन सिंबल का उपयोग कहते हैं, वो कहता है कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो आउटपुट ट्रू होगा, नॉट जो भी आपकी कंडीशन है उसको अपोजिट कन्वर्ट कर देता है। तो अब आप देखिए, नेक्स्ट जो है जावास्क्रिप्ट टाइप ऑपरेटर। टाइप ऑफ ऑपरेटर रिटर्न्स द टाइप ऑफ ए वेरिएबल, आपके वेरिएबल का टाइप को रिटर्न करेगा। इंस्टांस ऑफ ए ऑपरेटर जो कि ऑब्जेक्ट के साथ काम करेगा, अगर आपने ऑब्जेक्ट बनाया है तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। अब आते हैं हम बिट वाइज ऑपरेटर पर। बिट वाइज ऑपरेटर क्या कहता है, आपको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए इस तरफ 7 है इस तरफ 5 है, तो दोनों वैल्यूज़ को पहले बाइनरी में बदलना पड़ेगा और उन बाइनरी वैल्यूज़ का आपस से कंपेयर करना पड़ेगा। बस ध्यान ये रखना पड़ेगा कि अगर दोनों साइड 1 है तो आउटपुट 1 आएगा, फिर उसे वापस डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यही काम आप और ऑपरेटर में, लेकिन और ऑपरेटर का रूल क्या रहेगा कि अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो आउटपुट ट्रू आएगा। इसी तरह से नेक्स्ट जो हम बात करते हैं एक्स और ऑपरेटर। एक्स और ऑपरेटर कहता है कि अगर दोनों वैल्यूज़ इक्वल नहीं है, मतलब या तो 0 और 1 है या 1 और 0 है, मतलब बोथ साइड इक्वल नहीं है, तो ये 1 आउटपुट आपको देगा। बिटवाइज नॉट, आपके जैसे नॉट 10 है तो -10 मतलब जस्ट अपोजिट कर देगा आपको। लेफ्ट शिफ्ट का बात समझिए, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर आपको ये कहता है कि अगर आपने 10 और इस तरफ 2 का कर रखा है तो ये इसका मतलब होगा 10 × 2 की पावर 2, मतलब 2 की पावर बन जाएगी ये वैल्यू, इधर की वैल्यू, और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये कितना बन जाएगा 40। जबकि इसके अंदर बिटवाइज राइट शिफ्ट के अंदर ये आपको क्या करेगा, 10 और डिवाइडेड 2 की पावर 2 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर जो भी वैल्यू दी जाएगी वो 2 की पावर में लग के डिवाइड कर देगी किसको, 10 को, और जो भी वैल्यू आएगी वो कोसेंट आपका यहाँ लिखा जाएगा। इसी तरह से राइट शिफ्ट ऑपरेटर आपका काम करेगा। ये है बिटवाइज आइस। तो ये सारे के सारे ऑपरेटर आप लोग उपयोग करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। अगर आपको ये ऑपरेटर समझ में आ गए हैं और आप इनका प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं तो क्लास 2 प्रैक्टिकल की ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।